जानिए एक वैश्य और एक भिखारी की इमोशनल प्रेम कहानी। इस इमोशनल प्रेम कहानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। जब जब लोगों का प्यार पर से भरोसा उठा है, तब तब ऐसे प्रेमी की कहानी सामने आई है जो मोहब्बत की दुनिया में मील का पत्थर साबित हुई है। आज जहां लोगों के बीच प्यार का मतलब सिर्फ सेक्स बन के रह गया है, वहां ऐसी लव स्टोरी का सामने आना उन हजारों प्रेमियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आज हम आपके सामने एक ऐसी इमोशनल प्रेम कहानी लेकर आए हैं। जी हां, एक वैश्य और एक भिखारी की प्रेम कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दरअसल पिछले दिनों बांग्लादेश के एक फोटोग्राफर ने इस खूबसूरत प्रेम कहानी को दुनिया के सामने लाने का काम किया है। इस फोटोग्राफर ने फेसबुक पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें एक अपाहिज आदमी के साथ एक महिला नजर आ रही है। दरअसल बांग्लादेश की सेक्स वर्कर रजिया बेगम को एक अपाहिज भिखारी अब्बास मियां से प्यार हो गया। जब एक दिन काफी बारिश हो रही थी, उस वक्त बारिश से बचने के लिए रजिया एक पेड़ के पास खड़ी थी। किसी वजह से रजिया उस वक्त रो रही थी, तभी उसकी नजर पास के ही व्हीलचेयर पर बैठे एक आदमी पर पड़ी। वो भिखारी नजदीक आया और रजिया के हाथ में 50% दे दिया। बस फिर क्या था, रजिया उस आदमी को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझने लगी, क्योंकि रजिया की नजर में ये दुनिया का पहला ऐसा इंसान था जिसने उसे बिना छुए पैसे दिए। उसके बाद फिर वो दोनों अलग हो गए। कई महीनों बाद अब्बास रजिया को फिर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। वहां पर दोनों ने काफी देर तक बातें की तो पता चला कि अपाहिज होने की वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। वहीं रजिया कैसे छोटी उम्र से ही सेक्स वर्कर बन गई, ये कहानी सुनकर अब्बास का दिल पिघल गया और दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया था। रजिया का कहना है कि जीवन में अब्बास के आने के बाद अब सब कुछ सामान्य हो गया है। पूरा परिवार अब खुशी के साथ रहने लगा है। दोनों की शादी को 4 साल हो गए। कहते हैं जब दो बेसहारा लोग एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही अब्बास और रजिया की प्रेम कहानी में देखने को मिला है। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।